माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना, और आज है 8 जनवरी, और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर और स्टेटिक्स है उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आज हम थोड़ा सा कर्नाटक जो स्टेट है उसको देखेंगे, और जो एक हमारी बहुत ही चर्चित जो बैटरी है आयरन एयर बैटरी, जो न्यू हमारी जो जनरेशन के लिए और जो किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो ये बड़े बड़े जो इस तरह से लगाए गए हैं ना, इनमें समय बैटरी यूज होती है, आपने देखा होगा। आयरन बैटरीज इज द ब्रेक थ्रू एक द ग्रीन एनर्जी, क्या होता है ग्रीन एनर्जी का यूज होगी और ये किस तरह की होगी, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली है, आयरन एयर बैटरी इज द ब्रेक थ्रू ऑफ द ग्रीन एनर्जी। आयरन बैटरी होती क्या है, जो बैटरी है हमारी लिथियम आयरन आयरन से बनती है, आयरन से बनती है, लिथियम ज्यादातर देखा होगा तो। जो लैटिन अमरीका के पास जो है 70% जो है ये है, मैंने अभी हमने देखा था, अभी मैंने पढ़ाया था चिली को, तो उसमें बताया गया था कितना लिथियम है, और वहाँ पे पानी निकालने से वो पानी कितनी ज़्यादा लिथियम निकालने से पानी जो कैसी कंडीशन आ गई है, और उसने अपना एक नो न्यू ल्यूब भी बनाया है इसके रिगार्डिंग। अब दुनिया वैज्ञानिक एक बैटरी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जो एक लिथियम बैटरी पर टिके है ना, ये आयरन एयर बैटरी होगी। ये जितनी कंपनी है ना, ये फोक्सवैगन जो कंपनी है, इस जो जिस जो स्कोडा जो स्कोडा की है ना, स्कोडा ब्रांड है जिसका सब ब्रांड है, और जिसकी जर्मन के अंदर इसके जो ओडी और बीएमडब्ल्यू इसकी प्रोडक्ट है, ये फॉक्सवैगन जो है इसकी पेरेंट्स कंपनी है, और ये इसके साथ मिलके क्वांटम स्कोप कॉर्प के साथ मिलके इस काम को ये अंजाम दे रही है, जो इसकी इंडियन ही है ये भी जो ऑपरेट करते हैं ये क्वांटम स्पेस स्कोप कॉर को। अब देखो ये क्या है, बैटरी को चार्ज करने के लिए एनर्जी के लग रही है, ठीक है। अब जो ये जो एनर्जी जो नई बैटरी बनेगी ना, इसमें 10% कुछ कम चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, और इसकी कीमत भी होगी 1/10 होगी, ठीक है। और कार्बन बैटरी होगी, और एक बार चार्ज करने पे 100 घंटे तक चलेगी, लोहा स्टील से बनेगी, और हवा में छोड़ देते हैं तो ये हवा को लोहा स्टील को यानी जंग लगने से बन जाएगी, जंग लगने की क्रिया होती है ना रस्टिंग के कारण ये बनेगी। वैज्ञानिकों ने बनाया है कि कॉन्सेप्ट जो पकड़ लिया ना इसको, तो ये बहुत ही किफायती होगी और अच्छी होगी। साइंस लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, लाइट को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर जाए तो हमारे साथ क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली आ जाएगी। अब जो अपोजिट इसका एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे अपोजिट होते हैं प्लस और माइनस, जो यही तो है लिथियम और सोडियम्स दोनों एक से ही होते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, निकालने पर तो लिथियम बैटरी ऐसी लिथियम में भी एक एक निकलता है, तो फ्लो करने लगता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। बेसिक ये है कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रॉन को चलाना होगा, और यदि ये वापस इसके साथ चिपक जाते हैं, अगर चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चिपक जाते हैं, तो हम फिर यूज कर लेते हैं इसको, और फिर यूज करने के बाद अगर मान ले वो करते हैं चार्जिंग करते हैं तो ये फिर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री थोड़ा सा केमिस्ट्री समझते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना, रेडॉक्स और जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर जाता हो तो रेडॉक्स हो जाएगा, और यदि अलग अलग हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन उल्टा हो जाए तो इसका निकल जाए तो उल्टा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेना देना लिथियम में भी होता है, आयरन में होता है। अच्छा ये जो यही काम यदि हम आयरन में कर दें तो एफ ई में तो दो अवस्थाएं मिलता है, तो एफ ई जो इसकी वैकेंसी वैलेंसी होती है दो होती है, एफ ई थ्री और एफ ई टू, जिसमें इलेक्ट्रॉन उल्टा कर दे, दो या दो इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, जैसे जंग लगते हैं, जब हम जंग लगने की बात करते हैं ना तो आयरन में क्या ओ टू के साथ ये रिएक्शन करता है, Fe2O2, O2O3, 2S2, यहाँ पे दो है हमारे, दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसमें तो इसका ज़्यादा पावरफुल हुई है, तो एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो आयरन, तो आयरन के पास तो लिथियम से दुगना ताकत हुई एक तरह से देखा जाए, इस तरह से देख सकते हैं हम, ये समझ सकते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे कैसे होती है जो दिखाया गया है इसमें। और ये अब देखो आयरन के दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, या तो ज़्यादा और हो गया, ये रस्ट है, जैसे रस्ट हमारे जंग लगी, और मेटल भी कोई है ऑक्सीडेशन से क्रिया हुई, और ये एम्बिनेट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, इसकी ऑक्सीजन रस्टिंग ऑफ द रस्टिंग आयरन बना देता है, इसी कार्डिंग चार्जिंग, और उसी से चार्ज बन उससे चार्ज हो जाने होने होएगी, क्योंकि आयरन Fe2 में क्या होता है कन्वर्ट हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन चार्ज होने पे जो डिस्चार्ज कहलाएगा। यदि आप कोई ऐसी मशीन बना ले तो जैसे मान लिया लाल से सफ़ेद, लाल बोल रहे हैं यहाँ पे जंग लगने को, सफ़ेद उसको कन्वर्ट होने का मान लिया चेंज हो जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होगी और बढ़िया होगी न्यू जनरेशन के लिए सबके लिए, ठीक है। जो एम्बिनेट एयर का एम्बिनेट जो क्या होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या होता है नॉर्मल क्या होता है 70% जो नाइट्रोजन होती है और 21% हमारी ऑक्सीजन होती है, और जब ऐसे मैं ऐसे करके लूँगा ना अंदर लेता हूँ तो ये इसमें नाइट्रोजन एम्बिनेट जो ये एयर होती है,
ठीक है, आने वाला टाइम जो हमारा, ये कह सकते हैं हमारा क्या आयरन, जो आयरन जो एयर बैटरी का होगा, ये आयरन से बनेगी, मतलब आयरन और एयर, एयर एयर मतलब इससे इंडक्शन कर जाएगी, और ये खुले में छोड़ने पर जैसे जंग लग जाता है ना, जंग से उससे बनेगी एक तरह से। नेक्स्ट है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भारत का देखते हैं ये क्वेश्चन, भारत का जो फर्स्ट पेमेंट बैंक है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट है हमारा LGN लिक्विड नेचुरल गैस, ये कर्नाटक का फर्स्ट जो बेंगलुरु में स्थापित किया गया, कर्नाटक का नवीनतम जिला जो विजयनगर है, भारत का जो जो सिक्स नंबर का जिला, ये जो सिक्स नंबर का है ये जो बना है इस तरह से, ठीक है, सिंगापुर की कंपनी की सहायता से इसका स्थापित किया गया, तो आपको कम करने के लिए लिक्विड फॉर्म में लाना है इसका उद्देश्य। CM जो इसके कोने विषम राम जो बॉम्बई, और जो तुम्हारा गवर्नर है हमारे थावरचंद गहलोत, जो कर्नाटक इस तरह देखते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु, और CM है हमारे, और राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश विषमराव बॉम्बई, जो थावरचंद गहलोत बने हैं राज्यपाल, और ये ऋतुराज अवस्थी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं 31, विधानसभा की 224, लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12। झीलें कौन सी है, कुकुल झिल्ली झील, पंपा सरोवर झील, बेगुल झील, बोला बंदूर झील, और नेशनल पार्क बनेरघट्टा बांदीपुर मर्दुमलाई नेशनल पार्क। लोक नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट है यक्षगान, बार बार पूछा जाता है ये। डोल्लू कुनिया चर्चित स्थान बेंगलुरु, उड़िया, मंगलुरु, बीदर। नेक्स्ट है कर्नाटक में आयोजित होने वाली भैंसा दौड़ का को कम्बाला में, ठीक है, कम्बाला यहीं पे होता है, जलीकट्टू ये तमिलनाडु में होता है। भारत का पहला LNG टर्मिनल नागपुर में, ई गवर्नमेंस प्रशासन इसका जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में होगा। नेक्स्ट थीम इसकी महत्व क्या, जो महामारी के बाद डिजिटल जो प्रशासन कैसा होगा, ई डिजिटल, ठीक है ना। ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में, हाल ही में सुशासन जो सूचकांक में फर्स्ट पे गुजरात था। जो भारत बायोटेक कंपनी के मुख्यालय ये कहाँ है, हैदराबाद में है, कोवैक्सीन बनाई गई और इनोवेटिव वैक्सीन है, इसमें मृत जो वैक्सीन एक तरह से। तेलंगाना राज्य है ओडी फ्री, यानी जो खुले में शोषण के लिए शीर्ष स्थान पे है ये तेलंगाना। लोक नृत्य के लिए PM उत्कृष्ट अवार्ड, जो टोटल 18 अवार्ड जो वो हाँ 18 अवार्ड होंगे इसमें, इसके लिए वेब पोर्टल जारी किया गया है, वेब पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया है, योजनाओं का कार्यान्वयन के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया जाएगा ये। लोक प्रशासन पब्लिक गवर्नमेंट्स के क्षेत्र में इसके लिए ऑनलाइन रजिस्टर होंगे, ठीक है। इनामी राशि जो इसमें मेजर ध्यानचंद 12 लोगों को दिया गया है, इसमें राजीव गांधी पुरस्कार, इसका पहले नाम तो 1991-92 में स्टार्ट हुआ था, ये सबसे पहले जो खेल रत्न उसको विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, और अब इसमें प्राप्त करने वाले इसमें 12 हैं, 12 में अवनी लखेरा हैं, ये शूटिंग से सुमित अंतल भाला फेंक, मनीष नरवाल शूटिंग, प्रमोद भगत और कृष्णानगर बैडमिंटन से, ये तीनों जो ये जो पांचों हैं ये पैरा एथलीट हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है पैरा ओलंपिक में। और ये और नेक्स्ट 6 है नीरज चोपड़ा भाला फेंक, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है इन्हीं के उस पर जिन्होंने भाला फेंका था। रवि दहिया कुश्ती से, लवलीला बोरगोहन बॉक्सिंग से, मनप्रीत सिंह हॉकी से, और प्रिज रेस जो हॉकी से, मिथाली दास क्रिकेट से, सुनील छेत्री फुटबॉल से। नेक्स्ट है हमारा रामानुजन पुरस्कार मीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में दिया गया, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फोपन को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं ये हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो ये हमारे विज्ञान और तकनीकी मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान की थीम लॉन्च की है, 28 फरवरी को ये होगा। इस दिन CV रमन जी का ने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी, बर्थडे नहीं था जो इनका क्या था, इन्होंने रमन प्रभाव की, इसलिए 30 अगस्त को इनके लिए इन्हें क्या मिला था नोबल, 1930 में क्या मिला था नोबल 28 फरवरी को इन्होंने रमन प्रभाव जो रमन पर इफेक्ट की। 2020 की थीम दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान एवं तकनीक का दृष्टिकोण जो है, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को, विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को, भारत में कितनी रामसर साइट हैं 47 है, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कहाँ ईरान में है। 2021 की थीम है वेटलैंड वाटर, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, रेडियो विश्व रेडियो दिवस जो 13 फरवरी को होता है, 13 फरवरी को क्या होता है, सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे, और इनके बर्थडे को काय के रूप में मनाते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और
1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। और हमारा 8 मार्च को होता है जो वर्ल्ड वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन। यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल USBIC का उपाध्यक्ष अतुल जो कोशे को चुना गया है। व्यापार को ये बढ़ाना इसका है, इंडेक्स ऑफ USA के बीच में है। जो निशा देसाई की जगह स्थान पर आए हैं। ब्रज प्रहार इंडिया और USA के बीच में होता है। इंटर सोलर अलायंस का 101वां देश USA है। राजधानी इसकी क्या है, ये Washington DC। Washington DC पोटोमैक नदी के किनारे है। इसमें Washington DC में IMF प्लस जो ये WB का मुख्यालय, इन दोनों को क्या बोलते हैं, जुड़वा बहन भी बोलते हैं। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पे है। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कहलाता है, UNO में न्यूयॉर्क में है ये जो अपना इनका हेडक्वार्टर। निसार प्रोजेक्ट जो निसार जो निसा नासा और जो है हमारा इसरो का है। नासा क्या है, ये स्पेस एजेंसी है USA की और इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। और सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है। यहाँ पे दो राज्य में दो सीट होती है हर राज्य में, तो टोटल कितनी होगी, 50 राज्य में तो कितनी होगी, 100 सीट हो गई। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन के वर्तमान 27 मेंबर हैं। 27 मेंबर में 28 पहले 28 थे, अब जो इसका मुद्रा यूरो है। यूरोपीय यूनियन की मुख्यालय ब्रुसेल्स में है जो बेल्जियम की राजधानी है। एकल जो सिद्धांत पर कार्य करता है, इससे जो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हुआ था तो उसको इस क्रिया को बोलते हैं ब्रेग्जिट। इसमें अब इसमें पहले 28 जो मेंबर्स थे, अब हो गए एक माइनस हो गया तो 27 मेंबर बचे। 1 जनवरी 2022 को 2 जून 2022 तक फ्रांस की अध्यक्षता करने वाला है। थीम है रिकवरी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 32वां 2020 में टोक्यो में हुआ था। 2033 हुआ था, ये जो 2021 में, पर ये बोला जाएगा 2020 का जो 2023वां 2024 में होगा, ये पैरिस में होगा। 4 साल के बाद के होते हैं, फ्रांस में होगा। फ्रांस की जो पैरिस की राजधानी जो यहाँ पे कैपिटल में होगी, इसकी कैपिटल में होगा। फीफा वर्ल्ड कप जो फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा कर 2018 का, इसका आयोजन रूस में हुआ था। 2022 का कतर दोहा में होगा। नेक्स्ट रिपब्लिक रीयूनियन आइलैंड हिंद महासागर में है। ये जो भारत और ये आइसलैंड हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, ये मेडागास्कर हो गया हिंद महासागर। और परंतु अब अधिकार जो फ्रांस का है इस पर, इसलिए हिंद महासागर के जो सैनिक संगोष्ठी हुई 2021 की, जो अध्यक्षता किसने की, फ्रांस ने की है। यूनेस्को और FTA का मुख्यालय 1989 में पेरिस में है। ये आतंकवाद के रोकने के लिए जो फंडिंग होती है ना, उसको रोकने का काम करती है। नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में कितनी है, भारत की जो 40 साइट है। अमूर धरोहर जो भारत की 14 है, इसमें दुर्गा पूजा भी शामिल है। नवीनतम कौन सा शामिल किया गया है इसमें, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है ये 14 में, उसमें तो वो है तुम्हारा। बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया। मीडिया ट्रेंड्स के लिए संस्थापक है। मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना और कम्युनिकेशन संचार के लिए COVID-19 के लिए। कलिंग रत्न पर जो सम्मान विश्व चंद्र भूषण को, जो आनंद जो आंध्र प्रदेश के हैं। कर्नाटक रत्न जो पुनीत राजकुमार को दिया, जो अभी एक्सपायर कर गए, बहुत अच्छे एक्टर थे वो। जो ये हमारे बिहार में कौन सा जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना COP21 में हुई थी। COP21 पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये भारत और फ्रांस ने इसको मिलकर इसकी स्थापना की थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके महानिदेशक अजय माथुर जी हैं। नवीनतम 101वां तो इसमें USA बना था, 102वां बना एंटीगुआ और बर्मुडा बना है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय 190 कहाँ है, एंडोरा में है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का नवीनतम देश जो साउथ सूडान है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का संस्थान का बैंक है, इसमें पहले 5 थे अब 3 हैं। UAE और बांग्लादेश ये आएंगे जो रगवे आए, फिर एक और मेंबर और आ गया इजिप्ट मिस्र और इसमें आ गया सबसे छोटा देश जो बर्मुडा है जिसे टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं भारत और पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र, इसका विकास जो MIT मंत्रालय द्वारा किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय MIT के साथ CDA यानी सेंटर फॉर द डेवलपिंग एंड द एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है इसराइल स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है ये। विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत है। धूर भारत का पहला उपग्रह और मिसाइल्स ट्रेंडिंग जहाज है। पढ़ले भारत की पहली सफल ऑपरेशन DRDO द्वारा किए गए सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। वेला डीजल द्वारा संचालित जल पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 में जो इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये
स्थापित की गई थी। इसे इसके बाद छह पनडुब्बियां बनेंगे। इसके बाद इस तरह की मजगांव डॉट लिमिटेड द्वारा इसका बनाया गया है। इसमें कलवरी जो खंडेरी कलंज और वेला बन चुकी है, छह टोटल छह बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 अगस्त को मनाया जाता है यह और हाथी दिवस भी इसी दिन होता है। स्वामी विवेकानंद जी का योग विश्वविद्यालय जो लॉस एंजल्स में यूएसए में है, इनका जो 12 जनवरी को इनको मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इनके बर्थडे पे। इनके जो पांडुचेरी फ्रांस का उपनिवेश था, गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था, पुर्तगाली तम्बाकू की खेती और जो प्रिंटिंग प्रेस देकर इंडिया को गए देखे गए थे। यहाँ पे पांडुचेरी में चार जिले हैं, यमन जो कराईकल पांडुचेरी और माहे। हाईएस्ट कोर्ट जो इसका हाई कोर्ट जो होता है मद्रास और चेन्नई का हेड हाई कोर्ट लगता है, जिसके जो इसके यहाँ पे वो है रंगास्वामी है यहाँ के जो सीएम है। और नेशनल यूथ फेस्टिवल जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 25वें नंबर का मनाया जाएगा, इसका आयोजन 12 से 16 जनवरी के बीच में हुआ 18 जो इसमें जो 7000 युवा शामिल होंगे, 7000 सोमा जो प्रबुद्ध भातृका स्वामी विवेकानंद जी की पत्रिका इनके बर्थडे पर मनाया जाता है, अभी बताई दिया। होस्ट करने वाला राज्य है पांडुचेरी है। थीम है सक्षम युवा सशक्त भारत, खेल मंत्रालय द्वारा अनुराग ठाकुर जी हमारे खेल मंत्री इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है G7 समिट। G7 सम्मेलन का 2022 का जर्मनी में होगा, आयोजन है 26 से 28 के बीच में जो बेरियम जर्मनी में। 2021 यूके जो कॉनवेल्स में हुआ था, जर्मनी कोवैक्स पहल में करने वाला जो गठबंधन करने वाला जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा देश योगदान करने दूसरा सबसे बड़ा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और नए चांसलर जो अलोफ एक्वाल्स आए हैं मार्किना एंजल्स की जगह जो आए हैं अब जो काफ़ी दिन बाद। अनाथों की माँ मदर ऑफ द ओरपेन ये जो सिंधु भाई सबकाल को कहा जाता है, ये 2000 जो बच्चों को अनाथ बच्चों को गोद लिया था, इनके जीवन पे एक मूवी बनी है, कौन सी, मी मिथुताई जो सबकाल, ये 2010 में बन चुकी है। वर्ल्ड वार ऑफ ओरपेंस डे विश्व अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है, ये फ्रांस संगठन SO द्वारा मनाया जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर थोड़ी सी भी आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको इंडिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर